हेलो एवरीवन, कैसे होगा इस आज हम भाई जी के करने जा रहे हैं स्टाइलिंग कटिंग। भाई कैसे करते हैं, अगर गाइस आपके पास भी ऐसा कस्टमर आता है भाई जिसके छोटे छोटे बाल होंगे, ठीक है, हम लोगों ने उसके ऊपर हेयर कट कैसा करना है, ठीक है, आज इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। भाई शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने एक नंबर लगा लिया, हम लोगों ने एक नंबर इतने तरह लगाना है, समझ लो गाइस जे वाली जीरो कटिंग है। हमने जीरो को कैसे मैच करना, बहुत इजी तरीका है भाई, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बीच में आपने स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे जो मेन पॉइंट होते हैं यार वो आप मिस कर जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो आपने क्लच नहीं दबाना, कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं बीच बीच में से लगाऊंगा, जे वाली जो तीर है उसके हिसाब से लगाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास ऐसी कटिंग आती है उसमें हमने हेयर कट को कैसे करना है, ठीक है, डिजायर में कैसे बनाना है, ठीक है। और देखो दोनों साइड में आपने ऐसे कर देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने ऐसे लगा दिया, नीचे हम लोगों ने करना जीरो गाइस, ठीक है। जीरो को कैसे मिलाते हैं, बहुत इजी तरीका यार, देखो ठीक है। अगर आप इस वाली वीडियो को देखोगे ध्यान से, ठीक है, आपके दिमाग में पड़ जाएगी, ठीक है। हमने दोनों साइड में ऐसे लगा देनी है जैसे मैंने लगाया हुआ, ठीक है। आपने जीरो की होती है, ठीक है, हमने ये करना है नीचे नीचे जीरो नंबर लगानी है, ठीक है। कैसे लगानी है देखो, ठीक है, हल्का हल्का निशान लगा करके एकदम आपने गोल लगाना है, देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस साइड में भी हमने जीरो लगा देना, देखो मैं लगा दिया, जी वाले जो बाल होंगे गाइस हमने इसको जीरो करना है। पहले मैं ऊपर वाले को मैच करूंगा, उसके बाद जाकर नीचे वाले को जीरो करूंगा। अब मेरे पास है तीन नंबर, 10 mm का कंघा होता है, ठीक है, मैंने लगा लिया। क्लच नहीं दबाना, कुछ नहीं करना, ये वाली आपको दिख रही है ना, हमने इसके ऊपर लगानी है, देखो कैसे लगानी है, पेपर में, ठीक है, बीच में ही लगानी। अगर बीच में लगाएंगे तो ये वाले बाल हैं छोटे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने ऐसे तीन नंबर लगा देना है, ठीक है, दोनों साइड में, देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ और इस वाले साइड पर भी, लो जी गाइस जी भी हमारी लग चुकी है। अब क्या करेंगे जी देखते रहना गाइस। अब आके मेरे पास जीरो नंबर, ठीक है, यानी कि मैंने कंघे को उतार दिया है, ठीक है, ये होगी मेरी जीरो नंबर। ये मैं पॉइंट पे रखूंगा, इसको दो पॉइंट पे आपने रखना है, देखो पॉइंट होते हैं जी वाले पॉइंट होते हैं, इसको दो पॉइंट पे रख के हमने जी वाली जो लाइन दिख रही है ना मेरी, इसको मैंने हल्का हल्का लगाना है। कैसे करना है देखो ध्यान से देखना, हम लोग इसको मैच कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ठीक है गाइस। आपने ऐसे नीचे रिमूव करना है, ठीक है, अगर आपसे फिर भी नहीं होती आपने एक पॉइंट को कम कर लेना, ठीक है, उसके बाद आपने टेपर में चला देना उसको, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन दिख रही मेरी, उसको क्या करूँगा मैं जीरो नंबर पे रखूँगा, जीरो नंबर पे रख के उसके बाद ऊपर ऊपर को मैच कर दूँगा, ठीक है, वो मेरी मैच हो जाएगी गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखो गाइस मेरी ऐसे मैच दिखाई देगी आपको, ठीक है। पहले आपने पॉइंट लगाना दो, उसके बाद नीचे आपने जीरो नंबर लगा देने, यानी कि टेपर में सीधी नहीं लगानी, अगर सीधी लगाओगे फिर आपका कट दिखेगा, ठीक है, आपका कट फिर लगेगा, यानी कि यहाँ पर आपकी मैच नहीं होने वाली, फिर ऐसे करते जाओगे ऊपर चढ़ जाएगी आपकी मैच, ठीक है, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये होती है यार मेन चीज़ें होती गाइस ये वाली, ठीक है। अब आगे इस वाली साइड पर, इस वाले साइड पे मैं दो पॉइंट पे रखूंगा जैसे मैंने उस साइड में बताया, ठीक है, आप करेंगे इस वाली पे, ठीक है, सेम चीज करनी है। अब मैं घुमाऊंगा इस साइड में, अगर भाई कोई भाई बात करना चाहता है इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाओ फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, आपके मैसेज की रिप्लाई जरूर दूंगा,
थोड़ा सा वेट कर लेना, आपका जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। जो भाई कहते हैं ना कि यार काम करते यार साहिल भैया हाथ बहुत कांपते, देखो यार धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाता है, एकदम कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने डरना नहीं है, काम कंटिन्यू अपना रेडी रखना है आपने, ठीक है। देखो देखो मेरी एकदम यानी कि जीरो मैच हुई है। अब देखो जी वाले जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस, देखो ऐसे आपकी मैच हो जाएगी जीरो के साथ, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, आप इसमें नीचे नीचे ब्लेड भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर गाइस और भी वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, आई बटन में ऊपर मिल जाएगी ढेर सारी, कोई भी वीडियो देखो, सिंपल कटिंग कुछ भी देखो, वहां पर आपको सारी वीडियो ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। बस अब मेरे पास आ गया एक नंबर, यानी कि 3 mm का कंघा होता है, क्लच नहीं दबाना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल में ही आपने ऐसे इसको रखना है, ठीक है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो जे वाली लाइन आपको दिख रही है, आपने इसको रिमूव करना है। इसको कैसे करना, हमने जीरो नंबर को तो नीचे मैच कर लिया, ठीक है। ऊपर वाली लाइन दिख रही है भाई, बुरी लग रही है, उसको हम कैसे करें, देखो ऊपर ऊपर को उठा उठा के आपने ऐसे इसको मैच करना है, ठीक है। उसके बाद हल्की हल्की आपकी लाइन दिखेगी, आपने उसको भी रिमूव करना, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है आपने, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको बताऊँगा मैं, ठीक है, वीडियो में बने रहना। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसको हम जीरो को कैसे मैच कर सकते हैं, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कोई, वो भी आपको तरीका अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखो जो जी वाली लाइन दिख रही है, बहुत ईजी है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इस साइड में भी बता देता हूँ, ठीक है। हमने कैसे करी, देखो कंघे को उतार लेना है, क्लच दबाना फुल, ठीक है, यानी कि 5 पॉइंट पे, ठीक है। ये होते हैं हमारे 5 पॉइंट, ध्यान रखना इसको 5 पॉइंट बोला जाता है, जैसे मैंने दाबा हुआ, ठीक है। देखो आपने ऊपर ऊपर को करके इसको मैच करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, वो आपकी गाइस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो ये वाला दिख रहा, हम लोग कंघे के साथ इसको मैच करेंगे, ठीक है। आपकी कटिंग बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है यार। एक एक पॉइंट ना ध्यान में रख के देखा करो ये वीडियो, अगर वीडियो देखते हो ना तो ध्यान से ध्यान पे रख के वीडियो को देखा करो कि हाँ यार कितने नंबर लगाता हूँ कितने नंबर नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तभी आपके दिमाग में पड़ेगी। देखो ऐसे मैच होगी आपकी, ठीक है, आपने ऐसी मैच करनी है, घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। देखो यार भाई स्टार्टिंग में होता है, मैं भी एक देखो मैं भी है ना पहले इस काम में भाग रहा था, सही बता रहा हूँ, मैं भी भाग रहा था इस काम में कि मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था काम, यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे यार सब कुछ सेट हो जाता है, क्योंकि मेरे को अभी मैसेज आ रहा है कि साहिल भैया यार हमारे को डर बहुत लगता है यार, उसका डर कैसे निकालें। देखो भाई डरना नहीं है, स्टार्टिंग में लगता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाता है, जब बंदे का हाथ चलने लग जाता है ना बंदे का डर भी निकल जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। काम कंटिन्यू जारी रखो अपना, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना आपने, ठीक है। देखो आपने कहा ऐसे मैच करनी है, देखो देखो कितनी अच्छी मैच हो रही है हमारी, जो भाई कह रहे हैं ना हमारी सफाई नहीं आती, फिनिशिंग ऐसी आती है भाई, देख लो अगर आप सही ढंग से कटिंग करोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। देखो इस साइड में मैंने छोड़ा था, मैंने फिर एक नंबर लगाऊंगा, एक नंबर लगा करके, ठीक है, उसको ऐसे मैच कर दूंगा ऊपर, ठीक है, और मेरी मैच हो जाएगी। देखो राइट, देखो लाइन दिख रही है, जैसे मैंने उस साइड में बताया 5 पॉइंट दाब करके इसको आपने ऐसे मैच कर देना, बहुत इजी तरीका है गाइस, ठीक है। अगर और भी कुछ यार सीखना चाहते हो, मेरे चैनल पर आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी, ठीक है, शेपिंग की वीडियो, स्किन फिट की, कटिंग की वीडियो, ठीक है, तरह तरह की वीडियो जिन की पड़ी है मेरे चैनल पर आप दे सकते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो यार। ठीक है गाइस, आ देखो आपने ऐसे मैच करते जाना, आपकी मैच होती रहेगी, ठीक है। लो जी गाइस, उसके बाद जीरो नंबर हल्का हल्का नीचे लगा करके उसको आपने ऐसे सेट करना है, ठीक है, 5 पॉइंट फिर दाब करके जो ये वाली है, ठीक है, लाइन हम उसको ऐसे ऊपर को मैच कर देंगे, हमारी मैच हो जाएगी। देखो गाइस
ऐसे ही आपने करनी है, ठीक है। चार नंबर यानी कि 13 mm का कंघा होता है, ये वाले बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं भाई, उसके ऊपर लगाना हमने। कैसे लगाना देखो, बहुत ईजी है, ठीक है। हमने इसके साथ इसको मैच कर देना है, दोनों साइड में आपने ऐसे ही कर देना, ठीक है। अब लेंगे हम लोग 3 नंबर, तो जो हल्के हल्के दिख रहे हैं हम लोगों ने 3 नंबर लगाना वहां पर, ठीक है। यार कटिंग की मैचिंग देखना कितनी अच्छी बैठेगी अगर आप ऐसे करते हो। 3 नंबर लगा के गाइस आपने क्लच नहीं दाबना, नॉर्मल में रखना है, ठीक है। अब वहां पर लगाएंगे हम लोग 2 नंबर, जो दिख रहा है ना आपको, वहां पर 2 नंबर लगाएंगे कंघा, ठीक है। जो ये वाली लाइन दिख रही है मैं उसको रिमूव करूंगा, देखो कितना इजी तरीका है। देखो पहले मैंने गाइस 4 नंबर लगाया, उसके बाद नीचे मैंने 1 नंबर कम कर दिया, 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, फिर 0 नंबर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, ठीक है। कटिंग को देख लो, आप देख सकते हो बहुत इजी है, ठीक है। अगर 2 नंबर लगा लिया उसके नीचे मैं 1 नंबर लगाऊंगा बाद में, ठीक है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो एलवेल लाइन दिख रही है, मेरे पास 1 नंबर आ गया, ठीक है। 3 mm का कंघा होता है, याद रखना, ठीक है। देखो 4 नंबर लगाया था, 3 नंबर 2 नंबर, इसको दबा करके यानी कि समझ लो 1.5 नंबर हो गए, 1 नंबर लगा करके हमने क्लच दबाना यानी कि हमारा 1.5 नंबर बन जाता है, ठीक है। ये वाली लाइन है, ठीक है, हम लोगों ने उसको रिमूव करना, देखो बड़ा आसान तरीका, ठीक है। अब इसके ऊपर देखना कितनी अच्छी लुक आएगी, ठीक है, कटिंग के ऊपर देखना, ठीक है। हल्का हल्का क्लच एडजस्टमेंट कर लेना आपने, ठीक है। आपको मैं कटिंग दिखाता हूँ कितनी अच्छी लुक आने वाली है भाई की, ठीक है। इसको हम लोग यार बोल देते हैं जी वाली कटिंग को गैरी संधु हेयर कट, क्योंकि जो सिंगर है ना पंजाबी सिंगर, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे रखवाते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे करके, ठीक है। देखो देखो गाइस ऐसे ही करनी है आपने, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बीच में स्किप नहीं करनी आपने, अगर स्किप करोगे तो भाई फिर मत बोलना कि साहिल भैया हमारे को ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, जीरो को कैसे मैच करते, बाद में मेरे को कमेंट बहुत आते हैं यार, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है भाई मेरे को कमेंट जरूर किया करो, तभी मेरे को पता लगेगा, तभी उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को क्लियर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि साहिल भैया ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, शेविंग में प्रॉब्लम हो रही है, स्किन फिट में, कोई भी कटिंग में प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। अगर वीडियो आपको चाहिए तुरंत तो उसकी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दो यार। कल का पानी मार के गाइस जी वाले बाल ना साइड साइड में हल्के हल्के हम लोग कैंची के साथ इसको सेट करेंगे, ठीक है। पहले झाड़ के देखेंगे, जो हल्के हल्के बाहर होंगे ना गाइस उसको हमने काटना है, ठीक है, एक लेवल में ऐसे काटते जाना, ठीक है। जो ऊपर वाले यहाँ हल्के हल्के काटेंगे, यानी कि ज्यादा नहीं काटना हम लोगों ने, ठीक है गाइस। लो जी काट रहा हूँ एक एक लेवल में, देखो एक लेवल में ऐसे काटे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कंघी लगाऊंगा नीचे, उसके बाद फिर ऐसे करूंगा एक लेवल में, ठीक है। उसके बाद कंघी फिर लगाऊंगा, उसके बाद झाड़ के ऐसे आपने काटते जाने, वो आपके कटे जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा यार कुछ भी नहीं है, देखो अगर इस बात को आप समझोगे, अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे भाई तभी आपके दिमाग में पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी यार, ठीक है। लो जी गाइस बनाएंगे यानी कि ये वाले तीर बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बालों पे ये वाले हेयर कट अच्छा लगता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कट लगा दिया दोनों साइड में, यानी कि गोल रखना हमने गोलाई में, ठीक है। ये वाले को हम लोग जीरो करेंगे, ठीक है। यहां से भी हम लोग ऐसे कट देंगे, बड़े ध्यान से देना, क्योंकि यार गोलाई भी ऊपर वाली है ना, जो खराब होगी ना अगर पीछे चलेगी तो भाई फिर आगे नहीं आने वाली,
ठीक है, इसको बड़े ध्यान से दोनों लेवल में एक लेवल में ही करना है। ठीक है, अपन देखो आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, हेयर कट ऐसे ही गाइस आपने करना यार, बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो हल्के हल्के बाल आगे आ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है उसको ऐसे कट करना है यार। देखो ठीक है, ये तो हो गया हमारा, यहां से हमारे को लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने करना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लगा आपने ऐसे गाइस जीरो कर देना, ठीक है, क्योंकि वो जो बड़ी वाली थी मेरे पास जीरो नहीं थी, ये वाली छोटी वाली जीरो है, मैंने उसको लगा दी थी इसलिए। हाँ भाई गाइस इस वाली साइड पे, ठीक है, जो हल्का लगा गाइस दिख रहा होगा ना, आपने उसको ऐसे जीरो पॉइंट पे लगा करके इसको ऐसे आपने इसको मैच कर देना, ठीक है, पॉप की मैच हो जाएगी। हल्का लगा गाइस आपने ऐसे लगा देना, ठीक है, जहां पर हमने निशान लगाया, ठीक है, नीचे लगाने की जरूरत है क्योंकि हमने जीरो नंबर लगाई है। ठीक है गाइस, हमारी कटिंग हो चुकी है फाइनल। आपको कैसे लगी प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे। अगर बात करना चाहते हो लिंक नीचे दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहां पर जाओ फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, आपके मैसेज की रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। जब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इंतजार करना। थैंक यू सो मच।